वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने दो मेथड को समझा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के दो मेथड कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड समझा आपने और एक आइसोप्रॉफिट मेथड समझा। ग्राफ किस तरीके से बनाना है, शेडेड एरिया किस तरीके से बनाना है और उससे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कैसे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये बना हुआ था कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। तो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे पर स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे। तो आपके पास पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे, इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। दो तरीके के फल हैं, एक फल का नाम दिया हुआ है पी और एक फल का नाम है क्यू। दो तरीके के फल को वो मिक्स करना चाह रही है रेशमा। तो रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी, व्हाइल फूड क्यू कंटेंट्स 4 यूनिट्स ऑफ पर केजी विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। देखिए, अगर आप ऐसे सवालों को समझेंगे, मैं पहले सवाल समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पर है ही और आप में से सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो अच्छे से इसको आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप और अच्छे समझ पाए। देखिए, सवाल यह है कि मेरे पास में दो टाइप के फूड है, एक फूड है ए और एक है बी। ए फूड में भी दो तरीके के विटामिन मुझे मिलते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन बी। तो दो तरीके के फूड है पी एंड क्यू। फूड पी में दो टाइप्स के विटामिन है, विटामिन ए एंड विटामिन बी, और फूड क्यू में भी यही दो टाइप्स के विटामिन है, विटामिन पी एंड विटामिन क्यू। अब मुझे मालूम है कि फूड पी को अगर मैं बाय करता हूं तो 60 रुपए मुझे एक किलो के देने पड़ेंगे, और अगर मैं फूड क्यू को बाय करता हूं पर एक किलो तो मुझे उसके 80 रुपए मुझे उसको पे करने पड़ेंगे। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कम से कम 8 यूनिट्स विटामिन ए कंज्यूम करूं और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी कंज्यूम करूं। लेकिन थोड़े से मेरे पॉकेट टाइट है, लेकिन मेरी हेल्थ के लिए नेसेसरी है कि विटामिन ए टोटल 8 यूनिट्स मेरी बॉडी में जाने चाहिए और विटामिन जो बी है वो 11 यूनिट्स मेरी बॉडी में जाने चाहिए। और लेकिन मेरी पॉकेट भी टाइट है तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बहुत सारा ले लूं। तो मैं चाह रहा हूं कि कम से कम खर्चे में मैं अपने लिए एटलीस्ट विटामिन ए एंड विटामिन बी इस ये अरेंज कर पाऊं अपने लिए। कम से कम पैसे में मैं अपने लिए 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी अरेंज कर पाऊं। और मेरे दोनों फूड खाना कंपलसरी है, मैं ए फूड पी एंड फूड क्यू। तो क्वेश्चन ये है कि फूड पी एंड क्यू को मैं मिक्स कर रहा हूं, कुछ मैंने फूड पी लिया, कुछ मैंने फूड क्यू लिया, और क्वेश्चन यही है कि मुझे मिनिमाइज कितने रुपए में कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सर ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लग रहा है, बिल्कुल हाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन जैसा है भी ये, उसको आप कर सकते हैं, बट हमें यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है इसको। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपके मिक्सचर एलिगेशन टाइप रिलेटेड है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत सारा रायता फैला हुआ है इसके अंदर। रायता फैला हुआ मतलब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो पहला काम है कि इनको आप टेबुलर फॉर्म में ले आइए इंफॉर्मेशन को। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि क्लासिफाइड कर लीजिए कि कौन सी चीज को कहां पर रखनी है और एज अ टेबुलर फॉर्म में, जिससे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि डाटा तो इतना याद होगा नहीं वन रीडिंग से, तो बार बार पढ़ेंगे आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपके लिए क्वेश्चन बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मेरे पास में फूड, मेरे पास में एक फूड है, फूड की बात करता हूं मैं, पी एंड क्यू। क्लियर है, दो टाइप की फूड है। विटामिन की मैं बात करता हूं, विटामिन ए, विटामिन बी, वो भी किसमें, पर केजी।
पर केजी, क्लियर है? तो विटामिन ए, विटामिन बी पर कीजिए। कुछ डिटेल्स है, फूड पी, फूड क्यू, और मुझे ए विटामिन एटलीस्ट कितना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यह है कि मुझे 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए एटलीस्ट। अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे कम से कम, अगर मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूं तो मैं अब उससे ये कहूंगा कि यार कम से कम तो मुझे 25,000 रुपये सैलरी तो चाहिए चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 ही चाहिए, 25,000 मिलेगा तब भी काम कर लूंगा, और 25,000 से ज्यादा मिलेगा तब भी काम करूंगा, ये है ना। पर 25,000 से नीचे मिलेगा तो काम नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट मुझे विटामिन ए चाहिए, है ना। तो आपके पास में एटलीस्ट विटामिन ए का मतलब ये हो गया, विटामिन ए की मैं बात कर रहा हूं कि टोटल मेरे विटामिन ए कितने चाहिए, एटलीस्ट ए 8 यूनिट्स चाहिए मुझे। तो 8 यूनिट्स मुझे विटामिन ए अगर मुझे चाहिए, 8 यूनिट्स एटलीस्ट, तो उसका मतलब क्या है कि अगर 8 मिलेगा तब भी मैं ठीक है, और एटलीस्ट इससे ज्यादा मिलेगा तब भी ठीक है। तो एटलीस्ट में हमेशा ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना होगा आपको, एटलीस्ट में, और मैक्सिमम में लेस देन का, लेस देन नहीं इक्वल्स टू का सिंबल यूज होगा, क्लियर है। और विटामिन बी मेरे मुझे एटलीस्ट कितनी चाहिए, एटलीस्ट है तो मुझे कम से कम 11 यूनिट्स, तो 11 या 11 से ज्यादा मिल जाए तो भी मेरा चलेगा। तो एटलीस्ट में हमेशा आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पता लगा? क्योंकि मैं कहता हूं मुझे मिनिमम एटलीस्ट 25,000 रुपीज सैलरी चाहिए, तो 25 से प्लस भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आपको आया कि विटामिन ए कितना कंटेंट्स होना चाहिए, 8 यूनिट्स, विटामिन बी का कंटेंट्स कितना होना चाहिए, 11 यूनिट्स होना चाहिए। अब मेरे पास में क्वेश्चन ये भी, जो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि पी फूड के बारे में बता रहा है कि पी फूड के अंदर मेरे पास है विटामिन ए क्या है। फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए इसमें 3 है, क्लियर है, फूड पी के अंदर। और विटामिन ए एंड द 5 यूनिट्स, 1 किलो में 5 यूनिट विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है। तो पी के बारे में बता रहे कि भैया अगर आपने 1 किलो पी ले लिया ना, पी फूड, तो उसमें आपको विटामिन ए तो 3 यूनिट्स मिल जाएगा, और आपको विटामिन बी उसी फूड के अंदर उसी 1 केजी में 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन आपको बी मिल जाएगा। तो ये कुछ विटामिन आपको मिल जाएंगे। अब यहां पर आपके इसी तरीके से पर केजी की बात कर रहा है, पर केजी, ठीक है। और इसके अलावा फूड क्यू की क्या खास बात है? हाँ, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ ए, 4A एंड 2 यूनिट्स ऑफ द विटामिन बी, दिस वन, क्लियर है। अब मेरे, अब यहां पर मुझे एक चीज, ये बात पहले आपको समझ में आई नहीं टेबल में, बताइए जरा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, इस केस में ना सब कुछ तो ठीक है, अब डिपेंड सारा का सारा केस किस चीज पे कर रहा है, सब कुछ इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मेरे पास में अगर 1 किलो में 3 यूनिट्स विटामिन ए है, तो मैं कितने किलो खरीदूंगा जिससे कि मेरे, अगर मेरे पास में 1 किलो में 3 यूनिट्स विटामिन ए का आ रहा है, तो 2 किलो अगर ले लूंगा तो विटामिन ए के कितने यूनिट मुझे मिल जाएंगे, 6 यूनिट मिल जाएंगे। अगर मैं 5 किलो ले लूंगा तो विटामिन ए, अगर मैं पी फूड 5 केजी ले लूंगा तो विटामिन ए कितना मिल जाएगा, 15 यूनिट्स मिल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि मुझे इतने और इतने मुझे विटामिन जो है फुलफिल करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने केजी फूड पी और कितने केजी मैं फूड क्यू बाय करूंगा। उसी से पता लग पाएगा कि 1 3 यूनिट्स कब होगा और 11 यूनिट्स कब होगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहां में फंसा हुआ है, हमें ऐसे क्वेश्चनों में जरूर एक्स और वाई वेरिएबल लेट करना पड़ता है। और लेट कहां पर करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है कि ये चीज डेवलप कैसे होगी, ये क्रिएट कैसे होगी, 8 यूनिट इकट्ठा कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि कितने केजी में ले रहा हूँ। 1 केजी में तो 3 यूनिट्स आ रहा है विटामिन ए का, ठीक है, क्लियर है। तो कितने केजी, तो मैं यहां पर लेट कर लूंगा, क्या लेट कर लेते हैं, XKG हम क्या ले रहे हैं, फूड ए, फूड सॉरी पी, एक्स किलोग्राम लिया हमने, और फूड क्यू हम वाई किलोग्राम बाय कर रहे हैं, क्लियर है जी। तो फूड पी हमने एक्स किलोग्राम लिया, एक्स मीन्स 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जो चीज नहीं पता एज अ वेरिएबल मैंने उसको लेट कर लिया, ठीक है। और फूड क्यू मैं, मुझे कितना लेना चाहिए जिससे कि मुझे इतने विटामिन आ जाए, मुझे वो नहीं पता, तो
तो उसको भी मैंने एज अ वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, जरूरी नहीं जितना मैं पी बाय करूंगा उतना ही क्यू बाय करूं, इसलिए इसको एज अ मैंने डिफरेंट वेरिएबल ले लिया, एक्स की जगह वाई ले लिया। अब आप मान के चलो कि मैं अगर 1 किलो लेता हूं पी फूड पी के बारे में, तो मेरे पास पे 3 यूनिट्स ऑफ ए आ जाता है। 2 किलो लूंगा तो मेरे पास पे 3 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स ऑफ ए आ जाएगा। अगर मैं x लूंगा तो x kg से मल्टीप्लाई जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं x kg लूंगा तो हर kg में 3 यूनिट्स है, x kg में कितने हो जाएंगे, 3x यूनिट्स हो जाएगा। बात समझे, क्लियर है? तो अगर मैं x kg लेता हूं, अगर एक बार बताइए, अगर चलो मैंने 5 किलो लेता हूं p, मान के चलो मैंने इसको 5 किलो उठाया, 5 किलो लिया, तो फिर 1 किलो में 3 निकलता है तो 5 किलो में कितना हो जाएगा, 15 निकल जाएगा a, और 1 किलो में 5 निकलता है विटामिन बी, तो अगर मैंने 5 किलो लिया तो कितना निकलेगा, 25 यूनिट्स निकल जाएगा विटामिन बी। ऐसे होगा या नहीं होगा बताइए जरा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 5 किलो लेना 5 से गुणा कर रहे हो ना। अगर मैंने x किलो लिया तो क्या करोगे आप, इसको इसको आप क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं x kg ले रहा हूं तो वहां पे मुझे विटामिन ए कितना मिल पा रहा है, इतना मिल पा रहा है, क्लियर है? और अगर मैं और विटामिन बी कितना मिल पा रहा है, 5x मिल पा रहा है। और y, अगर मैं y kg ले रहा हूं फूड क्यू, तो मेरे पास में ये कितना y kg ले रहा हूं, y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने यूनिट्स a आ जाएगा और इतने यूनिट्स मेरे पास में विटामिन b आ जाएगा q के अंदर, और मेरे पास में टोटल विटामिन विटामिन a की बात, हेलो, ठीक है जी, हेलो, ठीक है, हाँ जी, समझ पाए आप ये? तो कैसे क्वेश्चन बनाया, अगर मैं आप मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं 6 kg लूंगा पी फूड को, तो हर केजी में 3 है तो 6 में मल्टीप्लाई करूंगा ना नंबर ऑफ केजी से, 6 kg 18 आपके यूनिट्स ऑफ ए मिल जाएगा, और मेरे पास में 6 kg लेता हूं अगर मैं तो 30 यूनिट्स ऑफ बी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं एक्स यूनिट ले रहा हूं तो मैं एक्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ए विटामिन इतने आ रहे हैं, बी विटामिन इतने आ रहे हैं, यहां पर मेरे पास में ए विटामिन इतने आएंगे और बी विटामिन मेरे पास में इतने आएंगे, टोटल ए विटामिन कितने होंगे, फूड पी से इतना, फूड क्यू से इतना, टोटल मेरे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 8 का मतलब हो गया 8 होगा तो भी चलेगा, 8 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, क्लियर है? बात समझ गए? और एक इक्वेशन और आप देख लीजिएगा, आप जानते हैं कि जो आपका किलोग्राम है आपका नेगेटिव, तो कभी क्वांटिटी आप बाय करोगे नहीं, कभी भी क्वांटिटी तो आप नेगेटिव लोगे नहीं कि भैया -5 किलो आलू देना, ये कोई बात थोड़ी होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। तो जो एक्स केजी है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो एक चीज और कह सकते हो, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड वाई भी। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन आपके पास में बन गए। कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाइए, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप टेबल बनाइए, सेकंड स्टेप आप जो है ग्राफ बना करके शेडेड एरिया करिए और कॉमन शेडेड एरिया निकालिए, थर्ड स्टेप आपके पास में कॉर्नर आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए कॉर्नर पॉइंट का, और फोर्थ स्टेप आप क्या करेंगे उस वैल्यू को, अब जेड फंक्शन की बात करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना आपका एक जेड फंक्शन। तो जेड फंक्शन क्या है, आपको पता है कि आपका 60 रुपए 1 किलो है और आपने पी 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 के रेट है 60 रुपए 1 किलो, और आपने कितने ले लिए, वो अपने एक्स नंबर ऑफ केजी ले लिए, तो 60x रुपीज खर्चा हुआ, और क्यू आपका 1 किलो 80 का पड़ रहा और आपने वाई ले लिया तो आपके पास में 80y रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आपके पास में, ये जेड हो गया। और आप इस कोऑर्डिनेट को आप जेड में अप्लाई कर करके और आप अपनी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अपनी वैल्यूज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लियर है जी? बात समझे? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिएगा, क्लियर है? आप चलिए जल्दी से फटाफट आप ग्राफ बना करके और एक बार आप सॉल्व करो, अगर आपका आंसर आ गया तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा।
यार फॉल्स फॉल्स कुछ नहीं होता बेटा, आप अपना आंसर वैल्यू आंसर बता मार्क बताइए। मैंने सॉल्व करना आपको अच्छे से सिखा रखा है, आप अपना आंसर निकाल लीजिए जिससे कि आप मैच कर पाओ। देखो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, चार आपके पॉइंट मिल गए, टेबल बनाओगे, ग्राफ बना लोगे, शेडेड एरिया बना लोगे, कॉमन शेडेड एरिया पता लग जाएगा, और दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो देखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि यहां पर आपके पास में सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे, कॉमन शेडेड एरिया भी आप बना लेंगे, तो कॉमन शेडेड एरिया ये आएगा, तो कॉमन शेडेड एरिया में आपके दो लाइन कहाँ पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो आपका यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ये। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज कैसे फाइंड करें हम, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो बेटा एक एक्स एक्स यहाँ पर वाई क्या रहता है, एक्स एक्सिस पर ऑलवेज वाई क्या रहता है, वाई यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है, क्लियर है जी। और ये जिस लाइन का ग्राफ आपके पास में क्या 3x+4y=8 है आपका, ठीक है ये लाइन है ना आपके पास में। अब आप कैसे ये लाइन है, तो हमें वाई की वैल्यू आप रख दो 0, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो एक मतलब कि मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चे, शेडेड एरिया आपके पास में ये है, देखो ये कॉर्नर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा आपका, ये शेडेड एरिया है। अब यहां पर कॉर्नर पॉइंट में जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है दिस वन, और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये और ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट लाइन, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे आप जानोगे, कोऑर्डिनेट कैसे जानोगे, आप हमेशा एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है आपका ऑलवेज 0 होता है, और वाई एक्सिस पर आपका एक्स 0 होता है, और इसकी इक्वेशन क्या है दिस वन वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स आ गया, तो सबसे पहले एक आपके पास में कोऑर्डिनेट मिल गया क्या 8/3 एंड 0, एक्स की वैल्यू 8/3 एंड 0, क्लियर है। और उसके बाद आपके पास में और जेड फंक्शन में रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है जी क्लियर है। और इसी तरीके से आपके पास में अब आप कहोगे सर इसका क्या है, तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, एक लाइन कौन सी आपके पास में, एक लाइन है 5x+2y=11, और एक लाइन आपके पास में दिस वन, और एक लाइन कौन सी आपके पास में, एक लाइन आपके पास में है 3x+4y=8। तो टू वेरिएबल इक्वेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, यहां से एक्स वाई की वैल्यू ले लोगे आप, और ये तो यहां पर बच्चे ये शेडेड एरिया है, ये कोई लाइन नहीं है, बात समझे, तो दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहां पर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, शेडेड एरिया है ये, कोई दो लाइन थोड़ी कट रही है, यहां पर कट रहा है, तो यहां पर एक्स आपका 0, और ये इक्वेशन कौन सा है जिसमें एक्स इज 0, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 11/2, क्लियर है जी, ये आपके पास में देखिए। तो इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करते हैं, क्लियर है। अब इसको आप एक्स और वाई में रिप्लेस करें 160 160 450, अब कहोगे मिनिमम तो सर ये भी वही है ये भी वही है, तो ये आपके पास में 160 किस पर आ रहा है, किस लाइन पर आ रहा है आपके पास में, 160 आपके पास में आ रहा है ये इस लाइन पे, दिस लाइन दिस वन, इस लाइन पर आ रहा है ना आपका 160 दिस वन, क्लियर है। और आपके पास में 2, और एक आपके पास है 2,1/2, क्लियर है जी, तो आपके पास में ये दिस वन यहां पर ये जो आप इक्वेशन है 2,1/2, तो ये देखो एक तो इस लाइन पर और एक इस लाइन पर, तो मिनिमम पूरी ये लाइन ही हो गई, मिनिमम क्या हो गया पूरी लाइन ही हो गई, तो आप लिखोगे फॉर दिस वी ग्राफ द दिस वन एंड द चेक द वेदर द रिजल्टिंग द हाफ प्लेन हैज द पॉइंट्स ऑफ द कॉमन और देयर फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर 160 रुपीज एट द लीनियर सेगमेंट ज्वाइन दिस वन, ये क्योंकि आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है दिस वन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है दिस वन, तो आप इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, बात समझे क्लियर है जी। अब बात समझ में आपको आई या नहीं आई, कॉर्नर पॉइंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन था कि सर कैसे हम कॉर्नर पॉइंट्स को देखेंगे, तो इसके थ्रू उस चीज को क्लियर करने की कोशिश की गई है आपको, क्लियर है जी बात समझे। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, करिए जरा सॉल्व,
सही कर रहे हो भरत। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके पास में, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जरा देखते हैं। आपके पास में वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर केक काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्स द 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द केक विच कैन बी मेड फ्रॉम द 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, अज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड द मेकिंग द केक। सबसे पहले मेरा दो टाइप के केक है ना, तो मैं एक का नाम देता हूं K1, एक का नाम देता हूं मैं K2। क्लियर है? स्पेलिंग खैर कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। आप चलिए, केक वन और एक केक टू, ठीक है जी। अब आपके पास दो इसमें चीजें हैं, एक तो बार बार ये फ्लोर की बात कर रहे हैं और एक बार बार फैट की बात हो रही है। तो केक वन को बनाने में वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स द 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, इसमें 200 ग्राम फ्लोर की रिक्वायरमेंट, ग्राम की बात कर रहा है, और 25 ग्राम फैट की। एंड अनदर केक रिक्वायर्स 100 ग्राम और फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट, ठीक है। और आप इस बात को जरा समझिएगा, और क्या कहता है कि मेरे पास में फ्लोर टोटल कितना अवेलेबल है, सब कुछ तो ग्राम है, ये 5 kg है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो बेसिकली क्या आएगा, ये आएगा आपका 5000 आएगा। क्या हो जाएगा ये 5000, क्लियर है जी। तो फाइंड द मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम बोलेगा, क्लियर है, तो उसमें रिवर्स हो जाता है ना, आपको मैंने पहले समझा दिया, मिनिमम में आपका ग्रेटर हो जाता है, मैक्सिमम में आपका मिनिमम इक्वल टू लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से 1 kg आपके पास में, तो 1 kg फैट है, तो जो कि आपके क्योंकि ग्राम में है, तो आपका 1000 ग्राम हो गया, तो ये आपका 1000 ग्राम हो गया, क्लियर है। अब एक बार बताओ, अगर मैं एक केक वन की अगर मैं एक यूनिट तैयार कर रहा हूं तो 200 ग्राम फ्लोर जा रहा है, अगर मैं दो यूनिट तैयार करूंगा केक वन तो 400 ग्राम फ्लोर का यूज होगा, अगर मैं तीन यूनिट्स केक वन यूज करूंगा तो 600 ग्राम, तो मतलब जितने मैं यूनिट्स यूज कर रहा हूं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पता लग रहा है ना कितने फ्लोर उसमें जा रहा है, तो इसीलिए मैं मान जाता हूं, ये मान लेता हूं कि जो केक वन है ना हमारे पास में, वो कितने नंबर ऑफ केक वन, नंबर ऑफ केक वन एक्स और नंबर ऑफ केक टू क्या हुआ मेरे पास में Y, क्लियर है जी। तो इस तरीके से केक वन मैंने अगर X बनाया तो टोटल कितना मैंने यूज कर लिया 200 X, ये मैंने यूज करा है केक वन में फ्लोर, और केक टू में मैंने फ्लोर कितना यूज कर लिया, फ्लोर फ्लोर की बात करेंगे, ये फ्लोर है, केक वन में इतना फ्लोर यूज हो गया X, और इसके मैंने Y क्वांटिटी लिए, मतलब Y नंबर्स लिए, तो इसमें कितने फ्लोर यूज हुआ दिस वन, और ये क्या होना चाहिए आपका, और इसी तरीके से आपके पास में दिस वन 25x प्लस 50y, क्लियर है जी। और ये चीज तो आपको हमेशा लिख देना है जीरो, एंड लो चार इक्वेशन आपके सामने तैयार है, और आप बच्चे कुछ इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपके पास कॉमन शेडेड एरिया कहां आया, कॉमन शेडेड एरिया आपके पास में ये 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 ये, और दो लाइन इंटरसेक्ट कहां कहां हो रही है, एक तो दो लाइन यहां इंटरसेक्ट हुई, तो वाई पर इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आपका जीरो होता है ना, यहां इंटरसेक्ट हुआ ना, तो यहां पर वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया आपका, वाई पे टच हो रहा है तो एक्स जीरो है,
तो यहाँ पर अगर एक्स जीरो कर दोगे तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 20 एंड एक्स जीरो, देख लो एक्स जीरो वाई 20 जरूर मिलेगा आपको, क्लियर है? एक्स जीरो वाई 20 दिस वन मिल गया ना आपको, और एक कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है दिस वन, यहाँ तो आपके पास में जीरो जीरो ही रहेगा, तो एक आपको जीरो जीरो भी मिल गया, दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट आपको लाइन हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपके लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, तो एक्स पे तो वाई जीरो होगा ना, तो एक्स इक्वल टू 25 हो गया, तो जीरो 25 भी आपको मिल जाएगा दिस वन 25 जीरो, बात समझ रहे हैं? एक ये तो ये दो लाइनों के इक्वेशन को, टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, बात समझे? जहां पे दो लाइनें आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो चार आपके पास में पॉइंट आ गए, क्लियर है? और यहां पर आपके पास में जेड की वैल्यू क्या रहने वाली है इस केस में, क्या कह रहे हैं, इनके नंबर को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज, ज्यादा बनाना है आपको, तो नंबर को, तो इसके एक का नंबर एक्स है, एक का वाई है, और यही को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इक्वल टू क्या आ गया जेड, तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है, और इसी मुझे वैल्यू बस रिप्लेस करना था, क्लियर है? समझ गए जी? चलिए जरा तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें आप, आप लोगों का बिजनेस मैथ से पहले कौन सा एग्जाम है? बिजनेस मैथ से पहले हाँ, वो तो आप लेना, वो तो आपको वीडियो, ये तो कंटेंट आपको मिलेगा ही ना, ये लो, और वैसे भी आपको कंटेंट मिलेगा, ये कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, और वीडियो पीछे कर करके आप वहां पे जाकर के पोज करके आप जो फोटो खींचना है फोटो खींचे, जो करना आप करिए। हाँ जी, 31 को आपका था बिजनेस मैथ्स का पेपर है, उससे जस्ट पहले कौन सा पेपर है आपका? थर्ड क्वेश्चन में हाँ 1.5 आवर्स है, और किस डेट को एग्जाम है? 25 को पब्लिक फाइनेंस, तो 25 का 31 को, मतलब 5-6 दिन का गैप आपका। इको इको कौन सी आ गई आपके भाई बीकॉम ऑनर्स में? पच्चीस के बाद आपका 31 को, एक को 25 का आपका 31 को एग्जाम है ना, तो 5 दिन आपको, 25 को एग्जाम है ही, 4 दिन मिल जाते हैं आपको, 26 27 20 30 हाँ सॉरी 5 डेज मिल जाते हैं आपको, तो 5 डेज आपको एग्जाम के प्रिपरेशन रिविजन के लिए 5 दिन आपको मिलेंगे। रिविजन के लिए आपको 5 डेज मिलेंगे, और 5 दिन के अंदर हमें उस 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और मैं आपसे यही कहूंगा उस 5 डेज से पहले तो आप अपने 10 ईयर को सेक्शनल मतलब कि चैप्टर वाइज आप सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है? और उस 5 दिन में मैं आपसे यही कहूंगा जो छुट्टी आपको मिलेगी, 31 को पेपर है, तो एक पेपर सुबह पूरा आप सॉल्व करना पड़ेगा, एक पेपर शाम को, मतलब इन अ डे अगर आप दो पेपर सॉल्व कर लेते, दो भी मत करिए यार, एक पेपर सॉल्व करके अच्छे से एनालाइज कर लेते हो ना, 5 दिन में 5 पेपर, पूरा पेपर आपका सेट हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि यार हमें टफ लग रही है, हमें मुश्किल लग रही है तो फिर हम इसको रहने देते हैं, क्या मतलब आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे कभी लाइफ में कुछ, या ऐसा प्लान किया यार ये पेपर इस बार रह जाएगा तो कोई बात नहीं अगली बार दे लेंगे, तो क्या अगली बार आसान हो जाएगा ये आपके लिए?
जिस सिचुएशन में आप अभी खड़े हैं उस सेम सिचुएशन आप नेक्स्ट टाइम भी फेस करेंगे। तो कभी भी दिमाग में गलती से भी ये बात मत आने देना कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट बैक ले आते हैं, गलती से मत ले आइएगा, आपकी ग्रेजुएशन अटक जाएगी। और इसलिए आप जो है जो भी आपको नेक्स्ट टाइम भी आपको यही पेपर रहेगा, यही लेवल रहेगा, ऐसे ही आपको समय नेक्स्ट टाइम भी देना पड़ेगा। तो इस समय आप फुल स्कोर भी कर सकते हैं अगर आपने सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव होकर सोच लेंगे। बस आपको दो बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, इन दो बातों पर अगर आपने विश्वास कर लिया, इन दो चीजों पर अगर आपने मेहनत कर ली, तो आप सफल हैं। पॉइंट नंबर बिजनेस मैथ्स के अंदर पॉइंट नंबर वन कि आप अपने 10 ईयर से प्रैक्टिस करिए भैया, बस शिवदास के 10 ईयर से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है ना उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर वन, 5 दिन में आप सुबह एक पेपर को कर करके टाइम लगा करके आप अपने एक पेपर को करेंगे और उसको दिन में एनालाइज कर लेंगे, कहां पर क्या खामियां रही, फॉर्मूला कुछ दिमाग से निकल गया, उसको रिविजन कर लेंगे जहां पे जो छूट गया। नेक्स्ट डे फिर एक पेपर करेंगे आप, इस तरीके से 5 दिन में 5 पेपर कर लेंगे आप। मैं लिख के दे रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, किसी क्वेश्चन में गलती भी नहीं होगी, आपका आपका 100% स्कोर आ जाएगा अगर आपने इस तैयारी से अगर आप चल गए तो। डन जी, क्वेश्चन हो गया। अभी तो मैं मैथमेटिक्स टू फाइनेंस का मैंने कहा हुआ है, मैं अभी वो करवा दूंगा मैथमेटिक्स टू फाइनेंस के, फिर मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से करवा दूंगा। लेकिन सबके लिए जरूरी यही है कि पहले आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी जो आपके कोर्स में चला है। अगर ये वीडियोस नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे 10 ईयर हो जाए, वो बड़ा मुश्किल है। तो ये सबके लिए मैं यही बात कहूंगा कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है कम, आप 10 ईयर से कर लीजिए, बट वीडियोस तो आपको ये सारी की सारी देखनी ही पड़ेगी जितना पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ 10 ईयर कर लिया आपने तो फिर आप जो है इसे कर लेंगे। देखिए बच्चे, हाँ जी, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट, अ टेनिस रैकेट्स टेक्स 1.5 आवर्स टू द मशीन टाइम। सबसे पहले दो चीजें हैं, दो प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट आपका क्या है, टेनिस रैकेट, और एक क्रिकेट बैट। और इसमें अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट, एक तो वो जो है टेनिस रैकेट बनाता है और एक वो क्रिकेट बैट बनाता है, दो काम है इस फैक्ट्री का। आ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ द मशीन टाइम। अगर मैं टेनिस, मैं बात एक मशीन टाइम की कर रहा हूं, मशीन टाइम, टेनिस रैकेट 1.5 आवर्स का टाइम ले लेता है, एक एक यूनिट की बात कर रहा हूं। अगर एक टेनिस रैकेट में बनाता हूं ना, तो उसमें 1.5 घंटा मेरा मशीन यूज होता है, और 3 आवर ऑफ द
क्राफ्टमैन्स, और जो आदमी उसके ऊपर काम करते हैं वो 3 आवर्स में, एक में इतना इतना लग जाते हैं। और क्रिकेट बैट की बात करें, अगर हम वाइल क्रिकेट बैट द 3 आवर्स ऑफ द मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ द क्राफ्ट इन अ डे, द फैक्ट्री हैज टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉट मोर देन द 44, नॉट मोर देन, मोर देन बोला तो हम लेस देन का सिंबल बना दिए, ठीक है, एंड 24 क्राफ्टमैन टाइम, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रैकेट बैट। ये भी अगला क्वेश्चन है। इफ द प्रॉफिट, सबसे पहले आप यहां से इक्वेशन क्या बनाएंगे, आप नंबर ऑफ रैकेट, नंबर ऑफ टेनिस रैकेट एक्स लेट कर लीजिए एंड नंबर ऑफ क्रिकेट बैट आप वाई लेट कर लीजिए, क्लियर है। तो अगर आप एक में 1.5 घंटा मशीन लगा रहे हैं, अगर दो अगर आपने टेनिस में आ लिया तो आप कितने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो क्वांटिटी बनाओगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप एक्स क्वांटिटी बना रहे हो तो आपका मशीन टाइम कितना लग जाएगा, 1.5 एक्स, क्लियर है जी, बात समझ गए। और ये आपने वाई यूनिट्स बनाया तो इसमें कितने लग जाएंगे आपके पास पे, 3 वाई, और इसी तरीके से आपके पास में 3x+y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और जेड फंक्शन क्या रहेगा आपका, जेड फंक्शन रहेगा इफ द प्रॉफिट ऑन द रॉकेट सॉरी रैकेट एंड द बैट इज द 20 10 रुपीज, एक रैकेट पर 20 का प्रॉफिट है, तो कितने रैकेट है, एक्स रैकेट है तो कितना प्रॉफिट हो गया, इतना, और एक बैट पे 10 का प्रॉफिट है तो कितने बैट है, वाई, तो कितने बैट पे टोटल प्रॉफिट हो गया, इतना, जेड फंक्शन हो गया। अब आपको अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सारा प्रोसेस आपका सेम चलेगा, दिस वन, और मैक्सिमाइज आपका हुआ कहां पर, आपका मैक्सिमम कहां पर हुआ, दिस वन, यहां पर मैक्सिमम हुआ ना आपका, तो यहां पर आपका जो मैक्सिमम हुआ और जो ये एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ये नंबर ऑफ एक्स मतलब नंबर ऑफ रैकेट हो गया और नंबर ऑफ बैट हो गया जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है, क्लियर है। क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर आपको, सॉरी हाँ, फर्स्ट का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, क्लियर है जी। सॉरी, क्लियर है। तो इक्वेशन डेवलप करना आपको आ गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और लेंगे। सर फर्स्ट में जेड फंक्शन, देखो बच्चे फर्स्ट में जेड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे ये जेड फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर आप फूड पी बाय करते हो तो 1 किलो में 60 रुपए लग जाते हैं और फूड क्यू बाय करते हो तो 1 केजी में 80 रुपए लग जाते हैं, तो आपको अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो आपने एक्स यूनिट एक्स केजी खरीदा आपने पी का और 1 किलो में 60 रुपए, तो एक्स किलो में कितने, इतना रुपए का कॉस्ट आ गया। मैं कॉस्ट को कर रहा हूँ ना, मुझे कॉस्ट निकालना होगा, जेड फंक्शन कॉस्ट को मुझे मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट तो आए पहले, तो एक का कॉस्ट है और एक्स केजी है, तो एक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक का कॉस्ट है वाई केजी, वाई कॉस्ट कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा इतना हो गया, मुझे इसी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यहाँ पे मुझे नंबर को करना था मैक्सिमाइज, तो मैंने यहाँ पर नंबर नंबर लिखे, कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है तो मैं कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करूंगा। सर थोड़ा कॉर्नर पॉइंट्स, आपने क्या स्टार्टिंग क्लास ली नहीं है क्या, स्टार्टिंग बताया था मैंने कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये हो गया कॉमन शेडेड एरिया, आपको पता है ना, ये तो देख लीजिएगा एक बार, कॉमन शेडेड एरिया आपके पास में आ गया। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है, यहां कर रही है, अब यहां के मैं पॉइंट्स कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम है 2x+y=50, और कभी भी एक्स एक्सिस पर आप खड़े हैं तो वाई आपका 0 होता है, ठीक है, तो वाई आपका 0 हो गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 25, तो 25 एंड 0, एक तो आपके पास में ये आ गया, क्लियर है। शेडेड एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एक ये आ गया, अब ये कैसे निकालूंगा, ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये लाइन का है और एक इक्वेशन इस लाइन का, ये लाइन में कभी मिट गया,
दोनों लाइन को टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इसका, तो यहां पर वाई पर एक्स जीरो होता है, तो इस इक्वेशन पे मैं एक्स क्या कर दूंगा, जीरो अप्लाई कर दूंगा, तो देन वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो एंड वाई की वैल्यू क्लियर है, इस पर जीरो जीरो अप्लाई कर दूंगा तो जीरो जीरो ही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करते हैं और जेड फंक्शन में इसको अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है जी, उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इक्वेशंस बनाना आपको आ रहा होगा, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड पे भी आएंगे, उस पर भी काम करेंगे, अभी चीजें बाकी है उसको करना बाकी है अभी। क्लियर है, एलएलपी को पहले अच्छे ढंग से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगाएंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद थोड़ा तेजी से लेके चलेंगे हम फिर उसके बाद बेसिक कैलकुलस को, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन जहां हुआ खत्म, कोर्स का बर्डन खत्म आपका, क्यों, सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी आपकी, वो है एडवांस कैलकुलस, बाकी पूरा कोर्स आपका हो चुका है, आपके पास में करने के लिए बहुत सारे आपके पास में होमवर्क है, आपके पास में 10 ईयर है, चैप्टर वाइज है, आप बहुत सारे प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस की नीड है, मेरे कोर्स खत्म करने की नीड नहीं है, वो तो खत्म आपका हो ही जाएगा। अगर आप आज से मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के चैप्टर खत्म कर लेते हो, आप अगर अपने मैथमेटिक्स टू फाइनेंस का 10 ईयर में चैप्टर खत्म कर लेते हो, आप एलएलपी का चैप्टर खत्म कर लेते हो, और आप बेसिक कैलकुलेशन का चैप्टर खत्म कर लेते हो अप्रैल के महीने में साथ साथ मेरे साथ चल करके, और मैंने अगर 25 मई को आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट करा, तो बताइए 25 मई को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एक ही दिन, तो 20 मई को कर दूंगा, लेकिन आपके 4-5 दिन में तो आपका एडवांस कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी आप कर लोगे 10 ईयर में से, तो आपके पास पिछले 5 दिन में रहेगा क्या करने के लिए, कुछ नहीं बचेगा करने के लिए, सिर्फ एक पूरा पेपर करोगे, उसको एनालाइज करोगे, यही रहेगा आपका। तो नीड मेरे कोर्स को खत्म करने की तो है, लेकिन उससे ज्यादा नीड है आपके अपने प्रैक्टिस करने की। मैं कोर्स खत्म करके साइड हो जाऊं, फिर दोबारा से मैं कोर्स को पढ़ाने लग जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम खराब है उसमें। कोर्स ढंग से एक बार खत्म हो और आप उसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करें, वो ज्यादा बेटर है। और अभी कोर्स में खत्म कर दूंगा तो क्या होगा, मैं तो अभी से मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, आपके साथ में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएंगे, और जबकि मैं आपके साथ में कॉन्टेक्ट 30 तारीख तक रखूंगा, कोर्स खत्म पहले करने के बाद भी 30 तारीख तक आपके साथ बना रहूंगा। 31 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके बाद भी शाम को मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। और आप पूरी उम्मीद है मुझे कि जो मैं कह रहा हूं अगर आप इन चीजों को फॉलो करा तो आपका एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है, आप बहुत ही खुश होकर 31 तारीख को फिर मिलने आएंगे कि सर शानदार पेपर गया हमारा, बहुत अच्छा पेपर गया, और सबसे ज्यादा आपको उम्मीद अच्छे मार्क्स के इसी पेपर से होगी। तो पूरी उम्मीद करते हैं 31 तारीख को जब हम मिलेंगे 31 मई को, तो इस उम्मीद के साथ में मिलेंगे, और एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए 31 मई को, वो मैं 31 मई को ही बताऊंगा। अब जी ये डिवाइड तो आपको करना पड़ेगा 40 मिनट का टाइम, ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।